समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षदा जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबर। खंडवा, खंडवा जिले अंतर्गत आने वाले वन विभाग की गुड़ी रेंज के कक्ष क्रमांक 744 व 745 में अवैध रूप से 700 से 800 पेड़ों पर वन माफियाओं ने कुल्हाड़ी चलाकर इमरती सागौन काट कर ले गए, लेकिन वन विभाग के रेंजर और डिप्टी रेंजर के सिर पर जूं तक नहीं रहेंगी। जागरूक ग्रामीणों ने विभाग के आला अधिकारियों से शिकायत करने के बाद मौके पर पहुंचे जवाबदार, कटे पेड़ों का किया आंकलन। खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाली गुड़ी रेंज की नहार माल बीट में आदिवासियों द्वारा बेतहाशा इमारती लकड़ी सागौन के जंगल में अवैध रूप से वन कटाई कर उसे खेतों में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन संबंधित विभाग के जवाबदार मौन धारण कर बैठे हैं। जब यह जानकारी नहार माल में रहने वाले पर्यावरण और प्रकृति से प्रेम करने वाले लोकेश यादव, राम प्रसाद यादव, सदाशिव यादव, राम रतन पाटिल, रामकृष्ण आदि को पता चली तो उनके द्वारा तुरंत वन विभाग की गुड़ी रेंज के रेंजर और बीट क्रमांक 744 745 के डिप्टी रेंजर रमेश पाटिल को शासन द्वारा दिए गए उनके शासकीय नंबर पर कई बार फोन लगाया, लेकिन जब बार बार लगाने के बाद भी संबंधितों ने फोन रिसीव नहीं किया तो जागरूक ग्रामीणों ने जिले में पदस्थ वन विभाग के आला अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलने पर वरिष्ठ अधिकारियों ने एसडीओ वन को मौके पर पहुंचकर कटे पेड़ों की गिनती कर और लकड़ी जब्त कर संबंधित आरोपियों के विरुद्ध वन अधिनियम में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। जब मौके पर एसडीओ वन पहुंचे तो वो भी कटे पेड़ों का नज़ारा देखकर अचंभित रह गए। वहीं बड़ी मात्रा में आदिवासियों ने मकानों के सामने और घर में अवैध रूप से काटी गई इमारती लकड़ी का पंचनामा भरकर स्वीकार किया। इतनी बड़ी मात्रा में वन कटाई हो गई, लेकिन रेंजर डिप्टी रेंजर चौकीदारों द्वारा विभाग सूचना देना मुनासिब नहीं समझा। हमारे गांव को होना जरूरी है, हमको न्यूज मिले फटाफट। हाँ, हमको भी पता लग जाए कि हम कौन आ रहा, हमारे आदमी रहेगा उनके साथ। हम तो जंगली तुम्हारे सुब्रत की भाई, पांच आदमी का हमको तो स्थिति वो स्थिति यहाँ पर नहीं है। हम तो मानने के लिए तैयार है, तो ये लकड़ी होनी चाहिए अभी। आज अपन ने तुमने कितने 91 या 92 गिने थे, कम से कम 100 से 200 जितने भी निकल जाए, 500 जो भी निकले, अपन पूरा जंगल घूमेंगे निकलेंगे। बाकी जो स्थिति पहले ऐसी पहले हो चुकी थी, अभी इसको जला दिया। अभी अपने को लग रहा है कि काफी दिन पहला है ये, काफी दिन पहला नहीं है ये, 6 से 8 महीना पहला। इसके ऊपर तो फिर तो जमीन सफा हो रही है ना, और पेड़ भी नष्ट हो रहे। खंडवा से खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शुभम लाड, सिटी रिपोर्टर मनीष भलराय के साथ ब्यूरो चीफ दीपक चावरे की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।